देखिए वाटर को क्या किया हुआ है, रिजर्वायर में स्टोर करके रखा हुआ, जो रिवर का वाटर आता है, ठीक है, ये इसको क्या बोलोगे आप, ये है आपका रिजर्वायर, ठीक है, ये रिजर्वायर। और ये क्या है आपकी बच्चे, डैम है, ये क्या है, डैम है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चे आपके टर्बाइन्स लगे होते हैं, अगर आप कभी गए होंगे तो आपको पता होगा रोटेटिंग टर्बाइन्स होते हैं, ऐसे होते हैं ये, ठीक है, ये टर्बाइन होते हैं, इनको आप क्या बोलते हो, टर्बाइन, ठीक है, या फिर वाटर व्हील भी कहते हो। तो इसी के साथ आपकी एक शाफ्ट होती है, लॉन्ग सी आयरन, एक रॉड होती है ना, आपने अपनी गाड़ियों में भी देखी होगी शाफ्ट होती है, जो लोहे की शॉफ्ट लगी होती है जी। आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये पूरा आपका जनरेटर एंड मोटर का पूरा आपको पता वहाँ पे पढ़ाया जाएगा बड़ी क्लासों में। ये एक आपकी शॉफ्ट जैसी होती है, यहाँ पे आपकी होती है जनरेटर, जनरेटर जो क्या बिजली को क्रिएट करता है ना, जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, लाइट एनर्जी में, ठीक है, ये होता है आपका जनरेटर, क्लियर। जनरेटर के बाद आपकी क्या है, जनरेटर से बिजली क्रिएट होगी तो उसी तरह आपका यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक वायर्स होंगी, और ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स होंगी ये कहाँ जाएंगी, आपके जो पोल्स लगे होते हैं ना बिजली के, वहां पे जाएगी ये लाइट, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर और ये क्या है आपकी डैम, ये डैम का वाटर है, मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके टर्बाइन रोटेट करते हैं, ठीक है, हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये बच्चे क्या है, ये आपका अरेंजमेंट है किसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस का, कि मतलब बिजली क्रिएट होती कैसे है। अब बच्चे ये देखो, ये क्या, ये इन्होंने डैम बनाई हुई है, मतलब वाटर को एक क्या किया हुआ है, बांध जैसा बनाया हुआ रोकने के लिए, तो ये वो चीज़ है। इसके पीछे इन्होंने क्या किया होता है, वाटर को स्टोर करके रखा हुआ होता है, ठीक है, वाटर को स्टोर, आपने एग्जांपल पढ़ी थी, जब आप वाटर को स्टोर करके रखते हो डैम में तो उसमें क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, आप अपने पिछले लेक्चर्स में जाके उसको स्टडी कर सकते हो अच्छे से। यहाँ पे इनकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब ये क्या होती है, किसी यूज़ की नहीं होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, जहाँ से क्या होता है आपका, मतलब ये हाइट पे होता है, जिससे क्या होता है आपका वाटर जो होता है हाइट से जब फॉल करता है, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा, जब आपका स्टोन हाइट से फॉल करता है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे भी क्या होगा, जब आपका वाटर हाइट से फॉल करेगा, जैसे ये क्या छोटा सा बांध बनाया होता है, ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा, वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर से जब हाइट से पानी पड़ेगा तो नीचे जो भी चीज़ होगी ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाए होते हैं इन्होंने, टर्बाइंस लगाए होते हैं, क्या लगाए होते हैं, रोटेटिंग टर्बाइंस लगाए होते हैं। ये टर्बाइन कब मूव, मतलब ये रोटेट करते हैं, कब रोटेट करते हैं, जैसे हाइट से वाटर इन पे पड़ता है तो ये टर्बाइन क्या करते हैं, रोटेट करते जाते हैं। तो उसके साथ क्या लगी होती है, एक शाफ्ट लगी होती है, क्या लगी होती है, शाफ्ट लगी होती है। अब आपको पता ही है जनरेटर्स को कैसे ऑन करते हैं, मैकेनिकली ऑन करते हैं ना उसको, आपको आपने देखा होगा, अगर कहीं किसी ने घर पे या कहीं पे भी पेट्रोल पंप्स वगैरह में जनरेटर जो होते हैं वो कैसे ऑन होते हैं, मैकेनिकली ऑन होते हैं ना, लाइट से थोड़ी ऑन होते हैं, वो मैकेनिकली ऑन होते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, कि यहाँ से टर्बाइन लिया, ठीक है, टर्बाइन लिया सॉरी टर्बाइन लिया, ठीक है, टर्बाइन को कहाँ रखा, इसके वाटर के नीचे, जैसे ऊपर से वाटर आता है तो ये टर्बाइन क्या करता है, इतने प्रेशर से पानी टर्बाइन पे पड़ता है कि टर्बाइन जो है
उस वाटर के प्रेशर की वजह से रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके जो विंग्स होते हैं टर्बाइन के, वो क्या करते हैं, रोटेट करना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे वो रोटेट करेंगे तो एक शाफ्ट लगी होगी, ये रोटेट करेंगे तो शाफ्ट भी क्या होगी, रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगी। और ये कनेक्टेड किससे होगी, जनरेटर से। मतलब जनरेटर जो है वो मैकेनिकली क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे आपका जनरेटर मैकेनिकली ऑन होगा तो आपको पता है कि जनरेटर क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यहाँ से क्या हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। मतलब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी जो है वो टर्बाइन को रोटेट कर रही है। जैसे आपका वाटर फॉल करता है तो आपको पता है, जैसे वाटर जो है हाइट से फॉल करता है तो उस टाइम जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और यही काइनेटिक एनर्जी को हम यूज़ करते हैं टर्बाइन्स को रोटेट करवाने के लिए, और एंड में क्या हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब हाइड्रो पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर होता है वो किसमें ट्रांसफर हो जाता है, इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी फिर आगे किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। क्या हो जाता है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है सॉरी यहाँ लिखती हूँ, इसमें क्या होता है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर वो किसमें आपकी ट्रांसफॉर्म होती है, इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर, क्या होता है बच्चे कि जो आपकी वाटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी फिर आगे किस में चेंज हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि कैसे यहाँ पे एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। चलिए सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट द थर्मल पावर हाउस। पहले हमने देखा था हाइड्रो में, अब है आपका थर्मल, मीन्स स्टीम से जो हीट से प्रोड्यूस होता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट थर्मल पावर हाउस, ठीक है। थर्मल पावर हाउस में कैसे एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। चलिए बच्चे, थर्मल पावर हाउस में क्या होता है कि कोल को यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। हाइड्रो में क्या करते हैं, वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, एंड थर्मल में क्या करते हैं, थर्मल पावर हाउस में हम क्या यूज करते हैं, कोल, कोल यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टू प्रोड्यूस बिजली को तैयार करने के लिए। थर्मल पावर हाउस में जो है वो हम कोल का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कोल का, देखो बच्चे, जैसे हम कोल को बर्न करते हैं ना, कोल को जलाते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी जो केमिकल एनर्जी होती है, अब देखो मैं पॉइंट्स में बनाती हूँ, जैसे आप इसको बर्न करोगे तो इसकी में जो केमिकल एनर्जी होगी कोल में, वो किस में चेंज हो जाएगी, आपकी हीट एनर्जी में, है ना। जैसे आप कोल को जलाते तो क्या निकलती है, हीट निकलती है ना, हीट निकलती है, मतलब कि उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में। और यही हीट एनर्जी जो है उसको हम क्या करते हैं, वो और इसी हीट एनर्जी से क्या होता है, जो आपका वाटर होता है ना, मतलब गर्मी जब निकलेगी इसमें से, तो जो आपका वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होगा उसकी क्या बन जाएगी, स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। और उसी स्टीम से हम क्या करते हैं, अपने टर्बाइन्स को रोटेट करवाते हैं, ठीक है। वहाँ पे वाटर से करवाते थे यहाँ पे इससे करवाते हैं, तो यही हाई प्रेशर स्टीम जो है वो टर्बाइन्स को रोटेट करती है, और वो क्या वहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है फिर से हीट एनर्जी का, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हीट एनर्जी प्रेजेंट होगी तो वो टर्बाइन्स को रोटेट कराएगी, मतलब उसमें मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस टाइम मोशन के टाइम पे जो उसमें एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, है ना।
फिर आगे हीट एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है, टर्बाइंस को रोटेट करवा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी। एंड फाइनली काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जहाँ पे बिजली आपकी एंड में क्रिएट होती है। ठीक है, किस में क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दस एट द थर्मल पावर हाउस, थर्मल पावर हाउस में क्या होता है आपकी केमिकल एनर्जी जो होती है कोल की, वो किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में, विच इज़ फर्दर देन चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। और आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले क्या हो जाता है, जैसे आप कोल को बर्न करते हो तो उसकी जो केमिकल एनर्जी होती है कोल की, वो किस में ट्रांसफ़र होती है, वो होती है आपकी, चेंज होती है हीट एनर्जी में, है ना। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोल है ना, ये कोल है, जैसे आपने इसको जलाया तो इसमें से क्या हुआ, हीट निकली, हीट निकली इसमें से ये हीट है। अब यही हीट जो है, ये फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाटर है, ये वाटर को क्या करेगी, गर्म करेगी। वाटर को गर्म करने के बाद इसमें से क्या निकलेगी, स्टीम निकलेगी। अब इसी स्टीम को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टर्बाइंस को रोटेट करवाने के लिए। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी से आपका आगे फर्दर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर, ये था आपका किसका, कि आपका जो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर हाउस होता है, उसमें क्या हो जाती है, ये एक दो तीन चार, चार आपकी एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म होती हैं। ठीक है, अच्छा, हाइड्रो में हमने देखा था, मैं बताती हूँ आपको इन दोनों को थोड़ा, हाइड्रो पावर हाउस, हाइड्रो पावर हाउस एंड थर्मल पावर हाउस, थर्मल पावर हाउस दोनों हो रही, दोनों में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो रही है, बट यहाँ पे जो आपके टर्बाइन रोटेट करते हैं वो करते हैं आपके किससे, स्टीम से, स्टीम से। और यहाँ पे जो आपके टर्बाइन्स होते हैं वो किससे रोटेट करते हैं, वो करते हैं आपके वाटर से। इसमें क्या हो रहा है आपका, कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है इसमें, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। फिर उसके बाद वो फर्दर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी पहले आती है केमिकल एनर्जी, उसके बाद आती है आपकी क्या, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के बाद आपकी आती है काइनेटिक एनर्जी, एंड देन आपकी एंड में क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब जो आपकी बिजली क्रिएट हो जाती है वो किस में, एंड पॉइंट्स में हो जाती है। तो बच्चे ये जो दो आपने डिस्कस किए, एक आपने किया हाइड्रो पावर हाउस और एक दूसरा आपने किया थर्मल पावर हाउस, तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि जो एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक वो ये है कि हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे, है ना। क्लियर, क्या है कि हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से अप्लायंसेस जो है वो हम यूज़ करते हैं जिनमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का। ठीक है, चलिए बच्चे, क्या होता है कि हमारे पास जो कुछ हमारी मशीन्स होती है ना, जो हम यूज़ करते हैं, उन मशीन्स में क्या होता है बच्चे, एनर्जी कन्वर्टर लगे होते हैं, एनर्जी कन्वर्टर। एनर्जी कन्वर्टर का क्या मतलब हुआ, इसके नाम से क्या समझ रहे हो आप, एनर्जी तो आपको पता है। ठीक है, कन्वर्टर मीन्स, कन्वर्टर मीन्स जो कन्वर्ट करता है। तो आपकी कुछ मशीन्स होती हैं ऑलमोस्ट, मतलब हर एक में ही आप समझ लो कि उन मशीन्स में क्या होता है, आपके एनर्जी कन्वर्टर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजेस, चेंजेस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो वो एनर्जी कन्वर्टर्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में
चेंज करते हैं। ठीक है, ये बच्चे हम कल डिस्कस करते हैं कि एनर्जी कन्वर्टर्स को यूज़ करके कौन कौन सी आपकी मशीन्स होती हैं। थैंक यू।